छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र में भी निगम भिलाई द्वारा जन समस्या निवारण पखवाड़ा चलाया गया, जिसमें शिविरों के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनी गई और उसका निवारण किया गया। ऐसी एक समस्या जुनवानी रोड से खमरिया पहुंच मार्ग की प्राप्त हुई थी, जिसमें बरसात की वजह से रोड पर गड्ढे हो जाने से आवागमन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसे तत्काल समाधान करते हुए निगम भिलाई द्वारा उसे स्थान पर भवन के मलबे को डालकर ऊपर से रोलर चला दिया गया और उसके बाद डस्ट डालकर उसे बराबर कर दिया गया, जिससे आवागमन तत्काल सुव्यवस्थित हो गया, जिससे शिकायतकर्ताओं में काफी हर्ष देखा गया और शिकायतकर्ताओं ने निगम भिलाई का हृदय से धन्यवाद भी किया। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, जन समस्या निवारण शिविर हमारा चल रहा है। जन समस्या निवारण शिविर शासन की जितने भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जो जनता के हितार्थ हैं, जनता के लिए प्रतिपूरक हैं, जिन योजना कार्यों को कराने के लिए जनता नगर निगम के भिलाई के जोन कार्यालय मुख्य कार्यालय में आती है, उन समस्याओं का निदान हमारा साइड में आज जन समस्या निवारण पखवाड़े के माध्यम से किया जा रहा है। एक छोटी सी समस्या थी कि खमरिया रोड के उस साइड में गड्ढे बन गए थे, पानी के कारण गड्ढे बन गए, बहुत सारे आवागमन है, बगल में सब स्कूलें हैं तो गड्ढे बन गए थे। अब वो गड्ढा तुरंत तो नहीं भरा जा सकता है, गड्ढे को तुरंत सड़क नहीं बनाई जा सकती। तो जैसे हमारे जोन के जो अभियंता हैं अखिलेश चंद्राकर जी, उनको जानकारी मिली, कमिश्नर स्तर तक पहुंची, तो क्या किया गया, जो सीएनडी वेस्ट था, जिसको ऑलरेडी हमको रीयूज करना ही है, कहीं कहीं इस्तेमाल करना, वो सीएनडी वेस्ट को ले जा करके हम लोग जो है हमारा नगर निगम टीम जाकर उन गड्ढे में डाल दिया। डालने के बाद उसको रोलर चला दिए, रोलर चलाने के बाद फिर उसके ऊपर थोड़ा सा डस्ट डाल दिए। अब देख रहे हैं वो रोड जो है, चूंकि बारिश का समय एकदम बराबर, एकदम एक नंबर का रोड बन गया। तो थोड़ा सा प्रयास सबके सहयोग से अच्छा हो गया। एक बहुत अच्छी पहल हुई नगर निगम की, सकारात्मक पहल है, और एक दिन के अंदर पूरा रोड भी बन गया। हमारा जो है जो डस्ट था, जो हमारे लिए रीयूज उपयोग करना था, उसको हमने कर दिया।